मंगलवार को धनतेरस के बाद गुरुवार को दिवाली है। इन दोनों दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। धनतेरस के दिन कई चीजें खरीदी जाती हैं। इनमें बर्तन, ज्वेलरी, सोने चांदी के सिक्के आदि शामिल हैं। सोने के सिक्के खरीदते समय लोगों को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार जल्दबाजी में लोग ऐसी कुछ चीजें भूल जाते हैं जो सोने के सिक्के खरीदते समय याद रखना काफी अहम होती हैं। यहाँ हम आपको ऐसी ही कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं जो सोने के सिक्के खरीदते समय ध्यान रखनी चाहिए। सोने का सिक्का शुद्ध है या नहीं। सोने के सिक्के खरीदते समय जो लोग सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं उनमें से उसकी शुद्धता है। हालांकि कई बार लोग यह पहचान नहीं पाते हैं कि सोना शुद्ध है या नहीं। सोने का सिक्का अमूमन 24 और 22 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, तो वहीं 22 कैरेट सोने में जिंक और सिल्वर होता है, इसलिए इससे ज्वेलरी बनाई जाती है। हॉलमार्क, आप चाहे सोने का सिक्का खरीद रहे हों या फिर सोने की ज्वेलरी, हमेशा हॉलमार्क के निशान वाला ही खरीदना चाहिए। हॉलमार्क निशान सरकारी गांठी है, इसलिए अगर आप त्योहार में सोने का सिक्का खरीद रहे हैं तो हॉलमार्क वाला ही खरीदें। 2/2 कीमत। सोने के सिक्के की खरीदारी बड़ी संख्या में लोग करते हैं। सोने की कीमत बाजार के मुताबिक तय होती है, इसलिए जब भी सोने के सिक्के की खरीदारी करने जाएं तो उसकी कीमत को पहले से देख लें। बनाने का चार्ज। सोने के आभूषण या फिर सिक्के बनाने के लिए भी ज्वेलर्स एक चार्ज लेते हैं। ऐसे में जब भी आप सोने के सिक्के खरीदने जा रहे हों तो कुछ ज्वेलरी शॉप्स पर कीमत पता कर लें। मंगलवार को धनतेरस के बाद गुरुवार